गुटों में चली तलवारें, सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी से हुआ खूनी संघर्ष, तीन युवकों के हाथ कान कटे। हरियाणा के करनाल में सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बुधवार देर रात को सोशल मीडिया पर एक ही गुट ने दूसरे गुट को करनाल में आकर मिलने का चैलेंज दिया गया। जैसे ही दूसरा गुट करनाल के सुपर मॉल के पास पहुंचा तो वहां पर 15-20 लड़कों ने हथियारों से उन पर हमला बोल दिया। हमले में किसी युवक का हाथ कटा है तो किसी का कान कट गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर होने पर PGI रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। गांव महदीनपुर निवासी सुधांशु कुंजपुरा रोड पर MI मोबाइल शॉप पर काम करता है। सुधांशु व उसका चचेरा भाई रणधीर गांव के जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। सुधांशु ने बताया कि बुधवार की शाम रणधीर ने उसे बताया कि कुछ लड़के गलत कमेंट व गाली गलौज करते हैं और करनाल के रहने वाले हैं, मुझे देख लेने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, युवकों ने सेक्टर 12 सुपर मॉल पर करनाल के पास आकर बात करने का चैलेंज दिया है। हमें उनसे बात करनी है। सुपर मॉल के पास 12 सेक्टर में कोई दो गुटों के आपस में झगड़े होने की हमारे को सूचना मिली थी। जब वहाँ मौके पे गए तो वहाँ काफी जो देखने से स्थिति को पता लग रहा था कि यहाँ कोई झगड़ा दो पक्षों में खुल के हुआ है, तो मौके पे हमें तो कोई इंजर्ड मिला नहीं था। लेकिन फिर हमारे को पता लगा कि हॉस्पिटल में आए, हम हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो यहाँ दोनों की तरफ से इंजर्ड हुए हैं, किसी को ज्यादा है, किसी को कम चोटें लगी हुई हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।